यातायात पुलिस का जबरदस्त एक्शन, तेज आवाज वाले साइलेंसर जब्त, साइलेंसरों पर चला बुलडोजर। आगामी त्योहारों को, बाजार व्यवस्था को देखते हुए और माताएं बहने और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जो तेज आवाज के और पटाखे की आवाज निकालने वाले, स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग करने वाले और लोगों को परेशान करने वाले ऐसी मोटरसाइकिलों को हमने जब्त किया था। इसमें से करीब 100 साइलेंसर्स को निकलवाया गया, कुछ साइलेंसर्स इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए के, इन सभी को आज पब्लिकली नष्ट किया गया। हमने जो दुकानदार इन साइलेंसर्स को लगा, यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 100 से अधिक साइलेंसर जब्त किए जा चुके हैं, जिन्हें आज बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। त्योहारों को देखते हुए जैन पुलिस की सक्रियता साफ देखी जा सकती है। यहां यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने करीब 100 बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पकड़ी और 2.5 से 3 लाख रुपए की चलानी कार्रवाई की। ये वे वाहन हैं जिसमें तेज आवाज, ज्यादा आवाज और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए हैं। यहाँ वाहनों से ऐसे साइलेंसर निकाल लिए गए। रविवार को पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में शहर के मध्य स्थित टॉवर चौक पर साइलेंसर रखकर इन पर रोड रोलर चलाया गया। करीब 15 मिनट की इस कार्यवाही में सभी साइलेंसर पापड़ बन गए। इस कार्यवाही को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि शहर में माता बहनों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। आगामी त्योहारों को, बाजार व्यवस्था को देखते हुए और माताएं बहने और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जो तेज आवाज के और पटाखे की आवाज निकालने वाले, स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग करने वाले और लोगों को परेशान करने वाले ऐसी मोटरसाइकिलों को हमने जब्त किया था। इसमें से करीब 100 साइलेंसर्स को निकलवाया गया, कुछ साइलेंसर्स इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए के, इन सभी को आज पब्लिकली नष्ट किया गया। हमने जो दुकानदार इन साइलेंसर्स को लगा रहे हैं के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखी जाए। इसमें करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का मोटरसाइकिल वालों पर और अलग से दुकानदारों पर, दोनों पर जुर्माना किया गया। आज 100 साइलेंसर्स को नष्ट किया गया। हमारी अभियान जारी रहेगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि गाड़ी का नॉर्मल मेक को मेंटेन करें। इस तरह की परेशानी क्रिएट करने वाले अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी वाहन के साथ भी यही सलूक किया जाए।